टेक्निकल क्रिएटिव इन्फॉर्मर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने मोबाइल अपने एमआई के मोबाइल में अपने इनकमिंग कॉल बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके साथ काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स भी बताऊँगा मैं आपको। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि कॉल सेटिंग आपको कहाँ मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सेटिंग में जो अंदर कॉल सेटिंग आप जो नॉर्मल सेटिंग खोलते हैं ना, तो उसमें आपको कॉल सेटिंग नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने डायलॉग में जाइए, फ़ोन डायलॉग में यहाँ पे आ गए आप। तो यहाँ पे आपको जो कॉर्नर में तीन लाइनें देखेंगी इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक जैसे ही करेंगे आपको तो यहाँ पर सेटिंग मिल जाएगा आपको, आप सेटिंग पर क्लिक कीजिए। सेटिंग पर क्लिक करने से यहाँ पर कुछ आपको नए फीचर्स मिलेंगे। मैं आपको इनकमिंग कॉल बैकग्राउंड चेंज करना तो बताऊंगा ही, उसके साथ साथ कुछ और फीचर्स भी बताऊंगा कि जैसे आप यहाँ से आप अपना मोबाइल का कॉल रिकॉर्डिंग बड़ी ही आसानी से ऑन कर सकते हैं। मेरा तो ऑन है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली, कि आप अपना मोबाइल का कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली यूज करना चाहते हैं या फिर अपने मैन्युअली यूज करना चाहते हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन इसमें आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसको हम बैक करते हैं। तो कॉल रिकॉर्डिंग तो हो गया है, इसके नीचे आपको मिलेगा कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग। यहाँ से आप अपने कॉल को डाइवर्ट कर सकते हैं किसी अन्य नंबर पर, ऐसा आप अपने यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। कॉल वेटिंग खोल सकते हैं यहाँ से आप। इनकमिंग कॉल सेटिंग देख सकते हैं इसमें क्या है। इनकमिंग कॉल सेटिंग में आपको मिलेगा कि फ्लिप टू साइलेंस रिंगर, यानी कि जैसे ही आप अपने मोबाइल को फ्लिप करेंगे तो आपका जो मोबाइल का रिंगर है वो साइलेंट हो जाएगा। और नीचे लिखा है क्विट रिंगर व्हेन लिफ्टेड, जैसे ही आप अपने मोबाइल को लिफ्ट करेंगे तो आपका मोबाइल रिंगर जो है ना वो साइलेंट हो जाएगा। इंक्रीज रिंगटोन वॉल्यूम, तो इसमें आप जैसे ही इसको ऑन करेंगे आपको तो आपका जो रिंगटोन वॉल्यूम है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ऐसे ही फ्लैश व्हेन रिंगिंग, यानी कि जब आपका मोबाइल रिंग करेगा तो उसके साथ फ्लैश भी होगा, जैसे एप्पल के फ़ोनों में होता है, तो ऐसा होगा। ये सब कुछ इसमें है, इसको हम बैक करते हैं। प्रॉक्सी सेंसर भी दिया गया है कि अगर आप अपना प्रॉक्सी सेंसर ऑफ करना चाहते हैं, जो ऊपर से जैसे ही आप अपने फ़ोन को कान में लगाते हैं तो आपका जो फ़ोन की डिस्प्ले है वो बंद हो जाती है इस सेंसर की वजह से, प्रॉक्सी सेंसर की वजह से। इसको अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से। तो हमें ये सब कुछ नहीं करना है, हम बैक करेंगे। मैं आपको केवल सेटिंग बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आइडेंटिटी अननोन नंबर्स है, आइडेंटिटी अननोन नंबर्स को आप ऑन करेंगे तो आपका जैसे ट्रू कॉलर जैसा होता है ना, वैसे ही इसका फीचर है। इसको भी यूज कर सकते हैं, ब्लैकलिस्ट ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, लोकेशन ऑन ऑफ का वही सिस्टम है। ऑटो आंसर ऐसा होता है कि आप इसको ऑन करेंगे और अपना इसमें रिकॉर्डिंग डाल देंगे कि हेलो हाय ऐसा जो कुछ भी है रिकॉर्डिंग डाल देंगे आपको। तो जैसे ही आपके पर कोई कॉल करेगा तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिक उस रिकॉर्डिंग को उस व्यक्ति को सुना देगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। आपको फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका मैसेज उस व्यक्ति को दे देगा। तो नीचे चलते हैं, अब अपने मेन फीचर पे आते हैं जो अपन लोग देखने वाले हैं, वो है अपना इनकमिंग कॉल बैकग्राउंड। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नीचे आपको जाना होगा एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में जाएंगे जैसे ही आप, तो आप यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बेहतरीन सेटिंग दी गई है। यहाँ से आप अपना डायल पैड टच टून है, जो आपका जो आप अपने जो किसी को फ़ोन लगाते हैं तो आपका जो डायलर से बटन जो दबाते हैं आप, जो अपने बटन को टच करते हैं, तो उसकी जो टोन है वो हमेशा एक ही आती है। तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इस सेटिंग से उसको चेंज कर सकते हैं। मैं चेंज कर चुका हूँ। इस सेटिंग में जाके आप जाएंगे जैसे ही सेटिंग में, नीचे होगा टोन्स में जाके आप यहाँ पर पियानो सेट कर लीजिए, काफ़ी अच्छी टोन है, मज़ा आएगा आपको, बहुत अच्छी है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रिडायल ऑन कर सकते हैं, ये सब छोड़िए, ये सब बकवास है। अब नीचे तो जो सेटिंग है वो बेकार है, इसीलिए हम जाएंगे सीधा इनकमिंग कॉल बैकग्राउंड में। ये यहाँ दिया गया है आंसर एंड कॉल्स के नीचे इनकमिंग कॉल बैकग्राउंड, इसको टच करेंगे तो मैं अपना इनकमिंग कॉल बैकग्राउंड का जो वॉलपेपर है वो चेंज कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे चेंज आ रहा है। तो आपके में डिफॉल्ट लगा होगा, तो आप इनकमिंग कॉल बैकग्राउंड में जाके लॉक स्क्रीन वॉलपेपर पर क्लिक कर दीजिएगा। अब इससे होगा क्या, जैसे ही आपके फ़ोन में लॉक स्क्रीन वॉलपेपर सेट होगा ना, वही वॉलपेपर आपका इनकमिंग कॉल बैकग्राउंड वाला सेट हो जाएगा। जैसे ही आपके फ़ोन पर कोई इनकमिंग कॉल आएगी तो वो ब्लू वॉलपेपर ना आके आपका लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर वहाँ पर शो होगा, आपका अच्छा लगेगा, आपको चेंज होगा। आप अपने मोबाइल से बोर हो गए हैं तो आपको कुछ नई फीलिंग आएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान।